मैं निमरता साहब बेनती करा राजशीष जी नूं कि वह गार्लैंड करेंगे साढ़े मुख मेहमान हम। मैं निवेदन करांगा सर मोहब्बत सिंह जी नूं साडे जो प्रधान है रोटी क्लब दे मैं बेनती करांगा सर दिलूप सिंह जी जो प्रधान है गुरुद्वारा साहब के होंगे सरदार कुलदीप सिंह जी सिद्धू प्रेसिडेंट चढ़ी कलाई क्लब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुशी होती है गल दसते कि गोयल परिवार रोटरी क्लब सुनाम के सहयोग न पहला भी एक कैंप शेरों विखे लग्या सी ना केवल अखां दे कैंप ही लगे हैं इतने बल्कि जदों असीं सड़क तो लंघते हाँ तो यात्रियों के ठहरने वास्ते एक बस स्टॉप शैड बनवाया गया है वह भी गोयल परिवार रोटरी क्लब सुनाम की ही देन है। इस तो इलावा हमने पिछे जे सरकारी स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को वर्दियाँ कंबल काफ़िया किताबा दिखाई गई इस तो पहला स्कूल वास्ते पखे भी दिए गए जिस बड़मुला योगदान से रोटरी क्लब का गोयल परिवार का। इस तो पता लगता है कि रतन गोयल जी और इन्हों की फैमिली का इस पिंड के नाल क्योंकि इस मिट्टी के ही पल खेल के बड़े हुए हैं किन्ना मान करते हैं अपने पिंड वासियों का पिंड लई इन्हां दे दिलां विच किन्नी इज्जत है। मैं आप जी का बहुता समां नाल लैंदा होया साडे रोटरी दे ही पास्ट प्रेजिडेंट डॉक्टर अशोक फूल जी निवेदन करांगा कि साडे अज दे मुख मेहमान अपना बहुमूल टाइम कढ के आए हुए दूसरे साडे जो रोटेरियन ब्रदर हन या नगर निवासी पिंड निवासी हन उन्हां नूं जी आया आखेंगे डॉक्टर अशोक फूल जी। साडे रोटरी के प्रधान सरदार मोहब्बत सिंह जी साडे अज के मुख मेहमान DHO साहब सरदार डॉक्टर रविंदर सिंह जी सुनाम के म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान पास्ट प्रेजिडेंट रोटेरियन राजकुमार जी विशिष्ट पास्ट प्रेजिडेंट श्री प्रेम सागर जी जैन रोटेरियन प्रदीप गुरी इनकमिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर भारतभूषण सिन्हा जाई रोटेरियन प्रहलाद पास्ट प्रेसिडेंट रमेश कुमार जी गंज IOI टीम के इंचार्ज डॉक्टर VK सोबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंचार्ज सरदार जगरूप सिंह जी के प्रधान हैं सरदार कुलदीप सिंह जी सिद्धू प्रेसिडेंट चढ़ी कला युवा क्लब। मैं रोटरी क्लब सुनाम वालों अज इस समारोह से पहुँचते सारे भाइयों का अज मुख मेहमान का सादा वेलकम करता हाँ जी आया आप जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समा कट के साडे अज प्रोग्राम से पहुँचते इस प्रोग्राम की चार चंद लगाए हैं रौनक बधाई है तो सानू हौसला दिता है ताकि असी अगे तो भी शेरों विखे ही अगे हर साल की तरह और नव प्रोजेक्ट लैके थोड़ी सेवा में हाजिर हो सकीए। एक बार फिर सारे मोस्ट वेलकम थैंक यू। एक प्रोजेक्ट जो इसे पिंड पहला साढ़े रतन गोयल जी की प्रधानी में लग्या सी रोटरी क्लब सुनाम द्वारा पशु भलाई कैंप बहुत कामयाब कैंप सी और रतन जी की ख्वाहिश है कि अगर पिंड वालों का इसे तरह सहयोग मिलता रहा तो हो सकता है कि अखां का जो कैंप है इसमें परमानेंट मतलब स्थाई तौर पर ही इतने असी हर साल लाते रहिए। मैं आप सब निवेदन करता हाँ कि आप सच्चे मनों एक दुआ करो कि परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जिस भी नाम नाल असीं उसनूं याद करते हाँ कि जिन्हां दी याद विच पवित्र याद विच एक कैंप लाया जा रहा है वाहिगुरु उन्हां नूं अपने चरणों में निवास देवे ते सानू उन्हां दी याद दे विच इसे तरह के नेक काम करके उन्हां दी याद बनाई रखने का बल देवे।
मैं निवेदन करांगा हुण साडे हरमन प्यारे राज शिष्ट जी नूं जो प्रेजिडेंट हैं म्यूनसिपल कमेटी सुराम दे अते पास प्रेजिडेंट हैं रोटी क्लब दे कि वो दो लफ्ज अपने मुखारबिन तो सानू कहणगे श्री राज जी डॉक्टर जी डॉक्टर शोभा जी 24 साल ते रोटरी टीम साहब डॉक्टर सिंह जी छतरेवा जी ते हो सारे पैरो भरावो बुजुर्गो एक छेड़ो सब कुछ बड़ा भावा बड़ा पिंड है पहला तुम देखते सी भी अपना कोई भी घर तो किसी ने इलाज कराना हो पटियाले संगरूर या लुधियाने जाना पैंदा सी हुण ते सरकार वल्लों या रोटरी क्लब वल्लों बेनती कीती तुहाडे अपने शहर च तुहाडे अपने पिंड च उह टीम आ के घर घर जा के चैकअप करके अखां दा इलाज लई तुहाडे कोल पक्की होई आ अज तक तुसीं बड़ी पवित्र जगह ते बैठे हो गुरद्वारा साहब पिछे का वीडियो रोशनी दिखी है वैलो वर्गो रोशनी दिखी है राज साहब डॉक्टर सोनी जी सोनी साहब के प्रसिद्धि आए ने अखा की रोशनी देने वास्ते सो रतन गोयल जी इतने जेडे थोड़े पिंड के जवकर ने उन्होंने चाचा जी जे लक्ष्मण राही गुजर गए थे उन्होंने याद में एक रोटरी वालों लगाया जा रहा है मैं तो यही कहूँगा सिंह साहब भी तुम हर छे महीने बाद या साल बाद इतने आई कैंप पाए कैंप होर भी कई कैंप जो लगाओ ये पिंड वासी जो मेरे वीर ने ये तो साढ़े अपने छोटे बड़े भरा ने माता बैठी ने इस पिंड ने साढ़े एड्डा तालमेल किया हुआ से सुनाम वाले सतमुख उठे सुनाम ही बैठे हाँ इन्हों कदम महसूस भी हो दिता कदम भी असं अपने स्कूल पिछले जहाँ पैसे मंगण आए इस पिंड मैं डॉक्टर बगानी भी एक दवा इतने आया इतने पैसे मंगण आए थे डी ए वी स्कूल बना से पब्लिक स्कूल से ना हम डी ए वी स्कूल आ इस पिंड ने सू बढ़ चढ़ के पैसे दिए से मैं वो गल भूलता नहीं हमेशा ही गया करता भी ये पिंड शहर का जुड़े रहा कि शहर का एक हिस्सा है सो सू तुम हुक्म दिते रहोगे हमेशा म्यूनसिपल कमेटी जब मैं हम पढ़ावना जो तुम कोई भी हुक्म दोगे किसी काम के भी मैं इस पिंड ने किया बहुत सारे पिंडा ने भी हाजिर बाकी साढ़ा तालमेल भरा सा दोस्त मित्र सा छोटा सिंह बैठे दस साहब बैठे मेरे होर मित्र बैठे बजुर्गान बैठे आ जो मेरे बाकी तौर पर जानते हैं मैं उन्होंने जानता जो कोई नहीं भी जानता फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन के कहना हाँ भी असं हर काम नहीं चाहे बहुत ज्यादा भी हो वापस हो गए जिन्हें रोटी क्लब का कोई जैसा भी हो गए थोड़े नाल मोटा नाल मोटा ला के चलने को तैयार इस तो ही बढ़िया कैंप जितनी भी फैसिलिटी तुम ले सकते हो रोटी क्लब तो सरकार तो असं लोग थोड़े नाल चढ़ के लियो तो इतने अज मैं थोड़ा सारे का बहुत दिलों रेडी है कि तुम इकट्ठ आए हो तो ये कैंप को सफल बनाने तुम योगदान जो कुछ भी पा सके हो मैं थोड़ा सारे का धन्यवाद भी करता हाँ तो पिंड वासियों मैं थोड़ा बिल्कुल ईमानदारी में कहना हाँ भी इस पिंड में आके एकदम महसूस होता है जिस तरह कोई अपने घर च आ गया हो इस पिंड चो बड़ी मुहब्बत प्यार कद कोई किसी किस्म का रौला वाला नहीं सब प्यार ही मिले है सो मैं थोड़ा सारे का मेन अभी वो असली रोटी क्लब की मदद ला या सरकार की मदद ला या डॉक्टर साहब की मदद ला जरूर लगिया करावे उस तो इस कैंप तो बगैर भी कई कैंप बच्चे ला गए असं अपनी टीम रोटी टीम गलबात बल्बर ला सकिए बाकी मैं थोड़ा अपील च बहुत मिली गया छोटा सिंह जी इतने बैठे आ जो मित्र ने वो भी बड़े देख के वधिया इंसान ने और तुम पंचायतों के इलैक्शन लड़ोगे मैं थोड़ी एक गल कहना किसी पार्टी वालों नहीं मैं म्यूनसिपल कमेटी वालों थोड़ी एक बेनती करता हाँ भी चंगे वधिया कैंडीडेट जो साफ सुथरे कैंडीडेट
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।